न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बेशक इन दिनों देश विदेश में सुर्खियां बटोर रही हो, लेकिन अब देश के लिए इसका नुकसान भी सामने आना शुरू हो गया है, वो भी उन लोगों के लिए जो देश की हिस्सेदारी में 70% भूमिका निभाते हैं और जो ना रात देखता है ना दिन खून पसीना एक करके देश के लिए अन्न उगाता है। जी हाँ, इस बांध पर बनी सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन दिनों किसानों की परेशानी का सबब बन रही है। दरअसल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बोटिंग के लिए इंदिरा सागर बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी सरदार सरोवर बांध की ओर डाइवर्ट कर दिया गया और जिसके कारण अकालग्रस्त कच्छ के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नर्मदा से पानी की चोरी हो रही है और पानी के लिए कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर बड़े धूमधाम से किया, लेकिन इस बांध से सिंचाई के लिए निकलने वाली नहरों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। राज्य सरकार पहले ही कच्छ क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर चुकी है, लिहाजा कच्छ में भीषण संकट के बीच पानी की मांग को लेकर जनता आंदोलन कर रही है। पिछले कुछ दिनों से कच्छ क्षेत्र के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन और बंद का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात सरकार के इलाके में पानी पहुंचाने के तमाम दावों के बीच नर्मदा लाओ कच्छ बचाओ के बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल ये समस्या इसलिए भी खड़ी हुई है क्योंकि रापर के आगे अभी नर्मदा नहर का निर्माण कार्य हो ही नहीं पाया। इस बीच गुजरात के विभिन्न इलाकों में नर्मदा नहर से पानी चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अब तक 37 लोगों पर FIR दर्ज किया है। इसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दी है। बता दें कि किसान नहर में मोटर लगाने को तब मजबूर होता है जब नहर में पानी का स्तर उतना ना हो कि वो खेतों तक पहुंच सके, इसलिए यहां के किसान ऐसा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंदिरा सागर बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी सरदार सरोवर बांध में डाइवर्ट किए जाने से ये संकट आया है। सरदार सरोवर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोटिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिसके लिए न्यूनतम जल का स्तर रखना जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि इसके अलावा गुजरात सरकार सरदार सरोवर बांध पर वाटर एयरोड्रम बनाने की भी तैयारी कर रही है। वाटर एयरोड्रम होता क्या है ये भी आपको बता देते हैं। वाटर एयरोड्रम एक प्रकार का बड़ा जल क्षेत्र होता है जहां पर सी प्लेन या MPPS एयरक्राफ्ट उतर और उड़ सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनपसंद परियोजना है। गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने सी प्लेन का इस्तेमाल साबरमती तट से अंबाजी मंदिर तक जाने के लिए किया था, मगर इन परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार ने सरदार सरोवर बांध पर वाटर एयरोड्रम बनाने के फैसले ने किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। आपको बता दें कि इस बार गुजरात में बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से रबी फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 42% कम हुई है। रबी की फसल मानसून के अलावा पूरी तरह नहरों की सिंचाई पर निर्भर होती है। साथ ही गुजरात में इस साल 76.69% ही बारिश हुई है, जबकि कच्छ जिले में महज 26.21% बारिश हुई है। इस वजह से कच्छ क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। जरा सोचिए, हमेशा से ही किसानों के ऊपर राजनीति होती आई है, तो क्या आप गुजरात सरकार ने पानी को सरोवर बांध की ओर डाइवर्ट करने से किसानों की मुश्किलें को बढ़ाया नहीं है तो क्या किया है? अब देखना यह भी होगा कि क्या सरकार अब किसानों के मसले को कैसे संज्ञान में लेती है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की देश और दुनिया की खबरों को तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।